दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पीजी के एडमिशन लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में तो ये वीडियो आपके लिए है। छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रायपुर में हमारा ऑफिस है, यहाँ से हम काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। आज बात करेंगे स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सालय जो कि राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ MBBS के साथ साथ पीजी की भी सीट है। टोटल यहाँ की अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 11 सीट है, जिसमें जो 6 सीट है वो स्टेट का है और बाकी का जो 5 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। जो CGDME में जो सीट मैट्रिक्स अपलोड हुआ है उसमें थोड़ा सा गलती है, जिसको सुधारते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की कॉलेजेस में या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका क्वालिफाइड मार्क्स है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके मार्क्स और आपके बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए कॉलेज ढूंढेंगे। बात करें यहाँ की जो सब्जेक्ट है उसमें ऑप्थल्मोलॉजी में टोटल 11 सीट है, जिसमें 6 सीट स्टेट कोटा में और 5 सीट ऑल इंडिया कोटा में जाता है। OBC में यहाँ 498 तक अलॉटमेंट आया था और UR SC ST EWS में यहाँ एडमिशन नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट में यहाँ 2 सीट है, 1 सीट स्टेट कोटा में 1 सीट ऑल इंडिया कोटा में जाता है, इसमें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया था। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट में अगर हम बात करें तो 3 सीट है, 2 सीट स्टेट कोटा में 1 सीट ऑल इंडिया कोटा में जाता है, जिसमें UR में 506 नंबर में कॉलेज मिला था और ST में 309 में कॉलेज मिला था। कम्युनिटी मेडिसिन में 4 सीट है, 2 सीट स्टेट में, 2 सीट ऑल इंडिया कोटा में। SC कैटेगरी में 1 अलॉटमेंट आया था 365 में। ENT में यहाँ की जो कॉलेज है ENT के बारे में सीट मैट्रिक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ENT यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि लास्ट ईयर आया था। यहाँ आपका UR कैटेगरी में 514 नंबर में अलॉटमेंट मिला था। तो ये हुआ राजनांदगांव के PG सीट के बारे में। अगर आप बाकी कॉलेज की PG सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो और भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें जाके आप सीट मैट्रिक्स बाकी कॉलेज का जो है वो देख सकते हैं। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा, आप कैटेगरी वगैरह कौन सी कैटेगरी में आते हैं, G1 कैटेगरी, G2 कैटेगरी, G3 कैटेगरी, आपका डोमिसाइल कहाँ से, आपका MBBS कहाँ से कंप्लीट हुआ है, सारा चीज़ मिला के एक PG की कॉलेजेस आपके लिए अरेंज करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।